maintain your posture. महर्षि मित्तांजलि जिन्होंने हमें अष्टांग योग दिया उनकी प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं. योगेन चित्तस्य योगेन चित्तस्य पादेन वाचा पादेन वाचा बलं शरीरस्य बलं शरीरस्य जैसे योगी बैठते हैं. हम सभी बहुत अच्छी जगह पे और बहुत अच्छे स्थान पे हैं. अभी हमारे आसन गुरु योग गुरु जो हैं देवेंद्र सर हमें आगे का सेशन शुरू करा रहे हैं. तो योग सेशन शुरू करने के लिए देवेंद्र सर का धन्यवाद करेंगे और जोरदार क्लैपिंग करेंगे. बता दें नहीं तो आराम आराम से करना, ज्यादा जोर नहीं लगाना, सबके हिसाब से. इसमें आए आसन पर खड़े हो जाए, आसन के अग्रिम छोर पर आ जाए. थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे. इनहेल करें, श्वास भरें दोनों बाजू ऊपर. ताड़ासन के लिए श्वास भरते हुए खींचते जाए दोनों, श्वास खाली करते हुए वापस आए. फिर से एक बार श्वास भरें, श्वास खाली करते हैं. फिर एक बार श्वास खाली करते हैं वापस. पैरों में थोड़ा सा गैप बनाए, कंधों के बराबर गैप बना ले दोनों. श्वास भरते हैं दोनों बाजू ऊपर, श्वास खाली करते आए फॉरवर्ड 90 डिग्री पर आए. पहले दृष्टि दोनों हाथों के बीच में, श्वास करते हो पूर्वतान, श्वास खाली करते हुए फिर से बढ़ आए. फिर से एक बार श्वास खाली करें फॉरवर्ड. फिर से एक बार खींचे, इस बार पार्श्व जाएंगे. श्वास भरें, राइट साइड घूमे थोड़ा सा, राइट साइड बेंड करें. सेंटर में लेफ्ट साइड जाए, लेफ्ट साइड बेंड करें. सेंटर में आए, इस बार दोनों हाथों को मिला दें नमस्कार मुद्रा में. श्वास भरते हुए बैकवर्ड जाए थोड़ा सा, श्वास खाली करते फॉरवर्ड जाए. हथेली आसन पर लगाए, गर्दन सामने. इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड. बैकवर्ड फॉरवर्ड, इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे. प्रयास करें इनहेल एक्सहेल के साथ. बैकवर्ड करते हुए रिलैक्स करें, पैरों में थोड़ा सा गैप बना लें. बैकवर्ड करते हुए रिलैक्स करें पैरों में और थोड़ा सा गैप बना लें. फिर से
दूसरे दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ ले जाएं श्वास भरते हुए, एक बार राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, साइड बेंडिंग अपने अपने एक्सेस पे बेंड करेंगे। ब्रीथ करते रहेंगे साथ साथ, श्वास भरे दोनों बाजू को ऊपर करते हैं, पूर्वोत्तान श्वास खाली करते हुए हथेलिए पैर के दाएं हस्तपाल, एक एक पैर को करके करते ले जाएं पीछे, प्लैंक पोजीशन में आए, प्लैंक पोजीशन में आते हुए पीछे जाएंगे पर्वतासन, नहीं आ रही है पर्वतासन, हाँ इन्हेल एक्सेल के साथ होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, गर्दन ऊपर उठाते हुए प्लैंक पोजीशन में आए, पहले यहीं से चतुरंग दंडासन, स्विंग होते हुए भुजंगासन, पंजे खड़े करें पर्वतासन, मुद्रा में गर्दन में ऊपर दृष्टि दोनों हाथों के अंगूठों पर, वापिस दोनों के लिए पैर के दाएं बाएं रखें, इस पैर को पीछे ले जाएं, दूसरे पैर को आगे लाएं, फिर से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, दृष्टि आपके दोनों हाथों के अंगूठों पर, आए बाबा दोनों के लिए पैर के दाएं बाएं पर्वतासन, दंडासन चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, पर्वतासन, एक एक पैर करके आ जाए आगे, हस्तपात गर्दन सामने करें, स्पाइन लॉन्ग दृष्टि सामने, श्वास भरें, श्वास खाली करते हैं, हेड डाउन करते हैं, दृष्टि और प्लैंक पोजीशन में है, फिर से भरी पर्वतासन,
अब एक एक पैर के साथ आ सकते हैं, जंप करते हुए गर्दन सामने, श्वास भरें, हेड डाउन करते हुए माथा घुटनों के नजदीक ले, गुड जंप बैक, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट पैर वीरभद्रासन, प्लैंक पोजीशन, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वीरभद्रासन सेकंड साइड, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दृष्टि ऊपर, वापस आए दंडासन, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, होल्ड करेंगे फाइव ब्रेथ, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास भरते हुए हेड अप, जंप बिटवीन योर हैंड्स, इनहेल करते हुए बस लॉन्ग स्पाइन के साथ, हेड डाउन करते हुए घुटनों के नजदीक, घुटने बैंड करें उत्कटासन, दृष्टि दोनों हाथों पर, कर रिलैक्स, राइट पैर को आगे लाएं, दोनों हाथों को 180 पर, अब राइट हैंड को बाहर की तरफ खींचे बैठे, घुटना सीधा रखें, राइट साइड बैंड करें, दृष्टि ऊपर, त्रिकोण आसन, दृष्टि आपके हाथ पर, फाइव ब्रेथ होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप साइड चेंज, सेकंड साइड, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड को खींचे बाहर की तरफ, इनहेल करते हुए पूरी लॉन्ग स्पाइन के साथ साइड बेंड करें, दृष्टि ऊपर वाले हाथ पर, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप राइट साइड पर फिर से एक बार, राइट पंजे राइट साइड सामने की तरफ घुमा, दोनों हाथों को 180 पर, परिवर्त पार्श्व त्रिकोणासन, श्वास भरे 90 डिग्री पर जाए, पहले दृष्टि सामने, राइट हैंड राइट कमर पर रखें, लेफ्ट हैंड राइट पंजे पर, और दृष्टि ऊपर की तरफ घुमा दें, दूसरा बाजू खोल दे ऊपर, दृष्टि ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप साइड चेंज करेंगे, सेकंड साइड, लेफ्ट साइड घूम जाए, दोनों हाथों को वाले डीपर, इनहेल करें फॉरवर्ड जाए, पहले राइट हैंड कमर पर ऊपर की तरफ खोल दे बाजू, दृष्टि ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से इनहेल करते हुए आप राइट साइड पर आ जाए, पार्श्व कोणासन, राइट पैर सामने की तरफ, लेफ्ट पंजा जो है 90 डिग्री एंगल बताओ, राइट गुंडे को बैंड करें, दोनों हाथों को बने, दृष्टि सामने हाथ वाले हाथ के मिडिल फिंगर पर, राइट हैंड राइट पंजे के पास में रखें, दूसरा बाजू ऊपर, दृष्टि हथेली पर, वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप सेकंड साइड चेंज करें, राइट लेफ्ट घुटना बैंड करें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पंजे के पास, दृष्टि ऊपर, वन
two, three, four, five. फिर से राइट साइड पे आए इनहेल करते हुए पार्श्वतानासन राइट पैर सामने श्वास खाली करें दृष्टि सामने रखते हुए आते जाए फॉरवर्ड और दृष्टि अब पैर के अंगूठे पर वन टू थ्री फोर फाइव इनहेल करते हुए आप सेकेंड साइड इनहेल करें शोल्डर रोल बैक दृष्टि सामने करते हुए फॉरवर्ड आना शुरू करें जाते जाएं फॉरवर्ड दृष्टि आपके पैर के अंगूठे पर वन टू थ्री फोर फाइव इनहेल करते हुए पैरों में गैप को मेंटेन करें प्रसारित पादोत्तानासन पैरों को फैला दें पंजे अंदर की तरफ रखें एड़ियां बाहर की तरफ फर्स्ट वेरिएशन के लिए दोनों तेलिए कमर पे लाएं इनहेल करें कंधों को पीछे की तरफ खींचे आए पहले 90 डिग्री एंगल पर दोनों तेलिए आसन पर दृष्टि सामने स्पाइन की पूरी लंबाई के साथ श्वास भरें श्वास खाली करते आए फॉरवर्ड हथेलिए पीछे की तरफ ले जाए दोनों पैरों के अंदर से वन टू थ्री फोर फाइव दोनों तेलिए कमर पर और इनहेल करते हुए आप आए अब श्वास खाली करें सेकंड वेरिएशन के लिए हथेलिए कमर पर रखें पूरी लंबाई के साथ आते जाए फॉरवर्ड दृष्टि आपकी भूमध्य आसन की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव इनहेल करते हुए आप थर्ड वेरिएशन के लिए दोनों हाथों को पीछे एंगेज करें उंगलियां ग्रिप कर लें एक दूसरे के साथ और कंधों को पीछे की तरफ खींचे श्वास भरे श्वास खाली करते हुए आए फॉरवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव श्वास बढ़ते वापस लास्ट वेरिएशन के लिए दोनों तेलिए फिर से कमर पर रखें कंधों को पीछे की तरफ घुमाए श्वास बढ़ते हुए नाभि अंदर चेस्ट अप आई फॉरवर्ड 90 डिग्री एंगल पर आए दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े वन टू थ्री फोर फाइव इन्हें करते हुए राइट पैर सामने की तरफ घुमा ले वीरभद्र आसन पीछे वाला पैर थोड़ा सा आपका अंदर की तरफ कर दे एंगल 60 डिग्री का पीछे वाले पैर का पेल्विक सामने की तरफ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आगे वाले मुद्रा को बैठ गए मैक्सिमम क्या बोलना चाहिए पैर के दृष्टि ऊपर वाले हाथ नाभि अंदर वन टू थ्री फोर फाइव यहीं से साइड वाइज सेकेंड वेरिएशन वन टू थ्री फोर फाइव दोनों तेलिए पैर के तले दंडासन दंडासन चतुरंग दंडासन इनहेल करते हुए भुजंगासन पर्वतासन लेफ्ट पैर लिए सेकेंड साइड वीरभद्र आसन की वैल्यू फर्स्ट वेरिएशन दोनों हाथों को ले जाए नमस्कार बोल रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सेकेंड वेरिएशन वन टू फोर फाइव दोनों तेलिए पैर के टाइम है
भुजंगासन, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट पैर फिर से आगे लाए, दूसरा पैर भी आगे लाए। हथेलियां पर, दृष्टि सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए माथा कुंडक नजदीक ले जाए, श्वास भरते हुए वापस। वृक्षासन के लिए लेफ्ट पैर पे बैलेंस करें, राइट पैर को एड़ी जो जंगा में लगा दें, लेफ्ट पैर टू थ्री फोर फाइव साइड चेंज, लेफ्ट साइड वन टू थ्री फोर फाइव, राइट पैर उठाए और राइट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ उठे, हस्त पाद अंगूठा से राइट पैर को सामने की तरफ फिरा, दृष्टि सामने, बैलेंस बनाए, वन टू थ्री फोर फाइव, साइड चेंज, लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर उठाए, अंगूठा पकड़ते हुए सामने की तरफ खोले, दृष्टि एक जगह बना के रखें, बैलेंस आपका दृष्टि से ही होगा, वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव, साइड चेंज, लेफ्ट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव, दोनों तरीके का मतलब श्वास भरते हुए कंधों को पीछे की तरफ खींचे, चेस्ट अप, दोनों तेजी से धकेले कमर भागी और गर्दन हल्की से पीछे ड्रॉप, घुटने आपके खींचे हुए, थाइस टाइट, पैरों में गैप आपका इक्वल होना चाहिए, थ्री टू वन, दोनों तरीके कमर भरे रखें, एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, श्वास भरे, कंधों को पीछे की तरफ खींचे, चेस्ट अप, नाभि अंदर, थाइस आपकी टाइट, घुटने खींचे हुए, जाए बैक बेंड, बैक ड्रॉप करें और हथेली से कमर को प्रेस करके रखें, थ्री टू वन, पैरों में गैप कंधों के बराबर बना लेंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचे, स्पाइन की लंबाई बढ़ाए, नाभि अंदर, श्वास भरते हुए जाए पीछे, दृष्टि दोनों हाथों के मध्य में, बैलेंस का ध्यान रखें और आंखें खुली रखें, बैलेंस अपना अपनी क्षमता का ध्यान रखना है, आई सेंटर में, श्वास भरे एक बार, श्वास खाली करते हुए आए फोर बना जाए, उत्तान आसन, दोनों हथेली कमर पर, नाभि अंदर, दृष्टि सामने, श्वास भरते हुए वापस। नटराज आसन के लिए राइट पैर को उठाना और पीछे ग्रिप कर, लेफ्ट हैंड अप, अब श्वास भरे, पीछे से पैर को खींचना स्टार्ट करें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाए ऊपर, आई फॉरवर्ड, दृष्टि सामने, श्वास भरे,
दृष्टि पैर के अंगूठे पर ले जाए। थ्री टू वन, श्वास भरते हुए आए वापस। साइड चेंज, सेकंड साइड। पीछे आवाज आ रही है आपको? आ रही है? नहीं है? नहीं नहीं, आपसे पीछे भी बड़े आधे आधे तो। लेकिन स्टेज दिख रहा है ना आपको? स्टेज भी नहीं दिख रहा है? चलो थोड़ा कमांड को पकड़ के चलना। हमने लेफ्ट पैर को बैठ कर ले, जहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है आगे वालों को फॉलो। हाँ, आगे वालों को फॉलो। पैर को बैंड कर ले, आए हथेलियां आसन पर, दृष्टि सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए, दृष्टि पैर के अंगूठे पर। थ्री टू वन, इनहेल करते हुए आप रिलैक्स पैरों में थोड़ा। हाँ, दोनों पैरों को पंजे मिला ले, बद कोण आसन। नीरज जी पानी करो, इन्हें लेकर। क्या हाल है? पीछे वाले क्या हाल है? बढ़िया। सभी अपने आप को धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, आसन करते हुए अपने श्वासों को सामान्य बनाए रखेंगे, जितना हो सकता है उतना साथ साथ करेंगे, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ के हम मंजिल तक पहुंचते हैं, है ना। आसन का मतलब है जो आसानी से हो जाए वो आसन, और जब आसन करने आ जाते हैं आसानी से तो जीवन भी आसान हो जाता है। तो वो सीढ़ी धीरे धीरे एक एक करके चढ़ेंगे, श्वासों पर सामान्य बनाए रखेंगे, श्वासों पर ध्यान रखेंगे और देवेंद्र सर को फॉलो करेंगे। मैं कहूंगा हाउ आर यू, आप कहेंगे गुड गुड गुड। हाउ आर यू? गुड गुड गुड। How are you? Good, good, good. And how am I? Good, good, good. Thank you. Let's start our next session. Devendra sir ke saath. Chalein. Dono pairon ke panje mila le. Aur panjo ko is tarah khol denge. Panjo ki aapki facing upar ki taraf. Inhale kare. Chehra saamne rakhte hue. Eye forward. नेक डाउन नहीं करनी आपने, सामने की तरफ ही, फेस आपका सामने ही रहेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ करते। पहले हमने लॉन्ग स्पाइन के साथ किया था, इस बार थोड़ा राउंड स्पाइन के साथ करेंगे। श्वास भरे, गर्दन कर्ण को में लगा ले और माथा आपका इस बारी एड़ी पर लगना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप फिर से एक बार पैरों को पंजे मिला, दोनों हथेलियों से घुटनों को तो प्रेस करें नीचे की तरफ, स्पाइन की लंबाई बढ़ाएं, नाभि अंदर और यहीं से फिर फॉरवर्ड आएगा। ये सारी दृष्टि आसन पर और माथा आसन में लगाने का प्रयास करें। वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए आप उपविष्ट कोण आसन। पैर के पंजे अपनी तरफ खींच लें, श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर, श्वास भरें। अब राइट साइड पे जाएं, राइट पैर का पंजा पकड़ लें, दृष्टि एक बार फिर पंजे की तरफ, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए माथा लगा दें घुटने पे। वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हुए अब सेंटर में आए वापस, लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर का पंजा पकड़े, दृष्टि एक बार फिर पंजे पर, श्वास भरे, श्वास खाली करते हैं माथा घुटने पर। वन टू थ्री फोर फाइव, इनहेल करते हैं आप
नाभि अंदर की तरफ खींचे, आई फॉरवर्ड, दोनों हथेली पैर के दाएं बाएं, दृष्टि सामने रखें, एक बार और लंबाई के साथ श्वास भरें, स्पाइन की लंबाई बढ़ाएं। अब जिनका लगता है माथा लगा दें, नहीं तो दृष्टि सामने की तरफ, स्पाइन की लंबाई पूरी बना के रखें। 1, 2, 3, 4, 5 हथेली यहां से पटका करके, पैरों के पंजे अपनी तरफ, हथेली चलाएं आगे की तरफ, स्पाइन की लंबाई पर ध्यान रखना आपने, दृष्टि सामने की तरफ, राइट साइड से आए पहले, फिर सेंटर में आए, लेफ्ट साइड, फिर सेंटर में, और चेहरा सामने की तरफ रखते हुए मैक्सिमम फॉरवर्ड करने जाने का प्रयास करेंगे, दृष्टि सामने और माथा लगा दें आसन पर। 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल करते हुए वापस आए, पैरों में गैप कम करें, राइट हैंड से राइट पैर की एड़ी पकड़े, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की, एक एक पैर करके साइड में फैला, बैलेंस करने का प्रयास करें। आई वापस पैरों को सामने तक जालो, शीर्षासन करें, फर्स्ट वेरिएशन, राइट पैर सामने की तरफ, लेफ्ट पैर को मोड़ लें, घुटने से पैर को मोड़ते हुए एडी आपकी राइट पैर के साथ लगा दें, श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, चेहरा सामने रखते हुए आए फॉरवर्ड, पैर का पंजा अपनी तरफ खींचाओ, दोनों हाथों से पैर का पंजा पकड़े, श्वास भरे, दृष्टि पैर के अंगूठे पर बनाए पहले, अब इसके बाद अगर माथा लग जाता तो घुटने पे लगा दे, नहीं तो गर्दन सामने की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल करते हुए आप साइडों से हाथों को नीचे लाएं, परिवर्त जानो शीर्षासन, कमर घुमा दे, राइट पैर आपके सामने की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़े, लेफ्ट हैंड अप और राइट साइड बैंड कर जाए, साइड बैंड, दृष्टि आपके सामने दोनों हाथों के बीच में से निकली सामने की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 इनहेल करते हुए वापस आए, ये पैर को अंदर की तरफ मोड़, घुटने के साथ घुटना मिला दे, त्रिमुख एक बात जानु शीर्षासन, श्वास भरे, आए फॉरवर्ड, पैर का पंजा पकड़े, दृष्टि सामने बनाए, स्पाइन की लंबाई बनाते हुए श्वास भरे, कॉर्निया जमीन पर रखते हुए माथा घुटने के नजदीक, नहीं तो पैर के अंगूठे पर दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर, साइडों से नीचे लाए, पैर को फैलाए, सेकंड साइड इसी रूटीन को रिपीट करेंगे, लेफ्ट पैर को फैला दें, राइट पैर की एड़ी जंगा मूल में लगा दें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए खींचे, आई फॉरवर्ड, चेहरा सामने, दोनों हाथों से पैर को ग्रिप कर लें, दृष्टि सामने, श्वास भरें, दृष्टि सामने रखें, पैर के अंगूठे पर, उसके बाद माथा अगर लगता है तो घुटने पर लगा दें, नहीं तो दृष्टि पैर के अंगूठे पर बना के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, आई वापस साइडवेज करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़ लें, दूसरा बाजू ऊपर और लेफ्ट साइड बैंड करते जाएंगे, साइड बैंड, 1, 2, 3, 4, 5 घुटने के साथ घुटना मिलाए, देसी
दूसरी भाषा में बोलेंगे तो इसको डेढ़ को डेढ़ डेढ़ पैर के साथ हो गया ना, एक पैर पूरा और एक आधा, ठीक है। चले श्वास भरते दोनों बाजू ऊपर, आई फॉरवर्ड, दृष्टि सामने रखते हुए पैर का पंजा पकड़े पर, फिर श्वास भरे स्पाइन की लंबाई बनाते हुए, माथा घुटने के नजदीक ले जाए नहीं तो दृष्टि पैर के ऊपर, 1 2 3 4 5 इनहेल करते हुए आप साइडों से लाए हाथों में, पैर को सामने की तरफ फैला, दृष्टि सामने की तरफ, हथेलियां आपके हिप्स के पास, दंडासन में बैठे, श्वास भरे नाभि अंदर, चेस्ट अप, कंधों को पीछे की तरफ, पंजे आपके अपनी तरफ खींचे हुए, यहां आपने बाह्य को अंबक लगाना है प्रीमद के साथ, श्वास भरे, श्वास खाली करें, नाभि अंदर खींचे, गर्दन का ढोक में लगाए और रेक्टम मसल को ऊपर की तरफ खींच लें, 5 ब्रेथ होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 यहीं से दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर की तरफ खींचे और श्वास खाली करते आए फॉरवर्ड, पैरों को पकड़ना नहीं अभी लंबाई के साथ, 1 2 3 4 5 इनहेल करते वापस आप, फिर से एक बार लंबाई बनाए स्पाइन की और फॉरवर्ड आए, इस बार पैरों की एड़ियां पकड़ लेंगे, चेहरा सामने बनाए, श्वास भरे कॉर्निया जमीन पर, दृष्टि एक बार सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए घुटनों के नजदीक माथा ले जाए, माथा नहीं जाता हो तो दृष्टि पैर के अंगूठे पर, 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए फिर से ले जाए दोनों हाथों को ऊपर, स्पाइन की लंबाई बनाए, फिर से एक बार फॉरवर्ड आए, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े, श्वास भरे दृष्टि सामने की तरफ, श्वास खाली करते हुए कोहनी नीचे लगाए, दृष्टि पैरों के अंगूठे पर, स्पाइन को एक बार फिर से श्वास भरते हुए लंबाई के साथ, अब माथा घुटनों के नजदीक ले जाए जिनका जाता है, 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, हथेलिया इसके पीछे पूर्वोत्तान, इसी का काउंटर पोज, हथेलिया हिप्स के पीछे लगाए, पैरों के पंजे आगे की तरफ खींचे, श्वास भरे, श्वास भरते हुए हिप्स को अप करें, पूर्वोत्तान कोणासन, नाभि अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास भरे, छोटे शांत करें, दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर, आंखें को मलता से बंद कर लें, लंबे गहरे श्वास भरे, छोटे शांत करें, आंखें कोमलता से बंद करें, कोमलता से बंद ही रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, आसनों के द्वारा उखड़े हुए श्वासों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स, आते हुए श्वास को ध्यान से देखेंगे, जाते हुए श्वास को ध्यान से देखेंगे, अपने शरीर को अगली क्रियाओं के लिए तैयार करेंगे, धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीमे धीमे लंबा गहरा श्वास खाली करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स, आसनों द्वारा आए हुए प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करेंगे, आपका शरीर सभी विकारों से दूर होता हुआ महसूस करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य को अपनी आत्मा के अंदर, रिलैक्स, धीमे धीमे श्वास लेंगे, धीमे धीमे खाली करेंगे, अपनी देह को अपने शरीर को आने वाले कुछ और आसनों के लिए तैयार करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, इस रिलैक्सेशन के बाद कुछ
कुछ समय और योगासन धीमे धीमे शांत करेंगे अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने श्वासों को। सारे बैठे हैं, देखिए बीमारियों की परेशानियों की बरसात हो रही है और एक योग की छत है जिसके नीचे हम सब हैं, है कि नहीं? तो हाउ इज योग? नेक्स्ट सेशन चलें, सिटिंग में थोड़ा सा और करेंगे। मारीचा सर, राइट घुटने को बैंड कर लें, एड़ी आपकी बिल्कुल शरीर के साथ, स्पाइन पूरी तरह खींची हुई, नाभि अंदर की तरफ और घुटने घुटने को दबा के रखें। फर्स्ट वेरिएशन करेंगे, राइट हैंड पीछे की तरफ ले और लेफ्ट एल्बो से घुटने को दबा दें, दृष्टि सामने, नाभि अंदर, ब्रीथ नॉर्मल, 1, 2, 3, 4, 5, साइड चेंज करें, लेफ्ट पैर को नजदीक करें, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड अप करते हुए अपोजिट एल्बो से घुटने को प्रेस करें, नाभि को ऊपर की तरफ खींचे, दृष्टि पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, पैर को सामने की तरफ फैला दें, पैर को सामने की तरफ लाएंगे, फिर से राइट पैर को मोड़े, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, आई फॉरवर्ड। अब राइट घुटने को ऊपर से ले जाते हुए पकड़ ले बाजू से, पैर को ऊपर से पकड़ ले, दृष्टि सामने, कंधे दोनों सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करते हैं, दृष्टि पैर के अंगूठे पर, नाभि अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, पैर चेंज करें, सेकंड साइड, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर खींचे, आई फॉरवर्ड। अब लेफ्ट हैंड को ले जाएं, घुमाते हुए घुटने को ग्रिप कर लें, कंधों को सामने की तरफ खींचे, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए, दृष्टि पैर के अंगूठे पर, 1, 2, 3, 4, 5, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर साइड से खींचे, राइट पैर को बैंड करें, राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट पैर की थाई पर लगे, दोनों हाथों को फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, आई फॉरवर्ड। दोनों हाथों के पैरों को अंगूठे पकड़ ले, एड़ी पकड़ ले। अब राइट हैंड को आते हुए कमर के पीछे ले जाए, जो पकड़ सकते हैं पैर का अंगूठा पकड़ ले, स्पाइन स्ट्रेट, दृष्टि सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए कोहनी लगा दे, दृष्टि पैर के अंगूठे पर आगे रखेंगे अभी, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो पैर फैला हुआ उसको बैंड कर लेंगे, बाहर थोड़ा जा सके, जो पैर आपने मोड़ के ऊपर रखा हुआ था उसको ऊपर ही रखेंगे, दूसरे पैर को बैंड कर लेंगे, राइट हैंड कमर के पीछे को ले जाए और ग्रिप हो जाए तो पैर का अंगूठा पकड़ ले, कमर के पीछे से लाते और दूसरे हाथ से पैर का घुटना पकड़ ले, दृष्टि पीछे, नाभि अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा फैला दे पैर, साइड चेंज, सेकंड साइड, ले जाए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, आई फॉरवर्ड। दूसरा बाजू कमर के पीछे लाते हुए पैर का अंगूठा पकड़े, श्वास भरे, दृष्टि पैर के अंगूठे, 1, 2, 3, 4, 5, श्वास भरते हुए, आई वो पास, पहले पैर को मोड़ लें, बाहर दो जो आसानी, सेकंड साइड,
राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ लें, राइट हैंड कवर के पीछे से लाते हुए पैर को ग्रिप कर लें, दृष्टि पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव, आई पैरों को फैलाए एड़ी पंजे में लाने के बाद श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर, श्वास खाली करते आए फॉरवर्ड, दृष्टि सामने नाभि अंदर, श्वास भरे क्वालिटी गाय, माथा कुंडों के नजदीक, वन टू थ्री फोर फाइव, दोनों पैरों को बैठ गए, दोनों घुटने मिला, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए माथा दोनों कुंडों के बीच में लगा दे, वन टू थ्री फोर फाइव, आए बजरा सकते दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर की तरफ ले जाए, श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड है शशांक, ये श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि ऊपर कंधे पीछे, टाइगर पोज और शशांक, श्वास भरते फिर से फिर भुजंगासन, श्वास खाली करते शशांक आसन, इनहेल एक्सहेल के साथ श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास खाली करते हुए शशांक आसन, श्वास भरते हुए भुजंगासन में आकर के कंधों को पीछे की तरफ गिरे, पीछे चेस्ट अप, नाभि अंदर, दृष्टि ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, आए थोड़ा सा एल्बो बेंड करें, चेहरा सामने की तरफ लगे, सामने से धड़ को उठाए, पैर के पंजे खींचे हुए घुटने ऊपर आके दोनों हाथों को सामने से हटा दें, वन टू थ्री फोर फाइव, हथेलिया कंधों नीचे, कंधे घुमा के पीछे, चेस्ट अप, नाभि अंदर, दृष्टि ऊपर, आई वापस, अब हथेलिया जो है उसकी नाभि के दाएं बाएं फोरहेड जमीन पे लगाए, श्वास भरे, श्वास भरते हुए धड़ को उठाए, कंधों को पीछे की तरफ कीजिए और पैरों को उठा दे, एड़ी पंजे मिले हुए थाइस भी अप, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास खाली करते शशांक आसन, फिर से एक बार भुजंगासन, आई वापस, कौन यू स्टैंड पर आ जाए, पैरों को पीछे बैंड कर ले, धनुरासन के लिए दोनों हाथों से पैरों के तकने पकड़ लें, एंकल ग्रिप करें, फोरहेड जमीन पे लगा दें पहले, अब इनहेल करते हुए पैरों को खींचना स्टार्ट करें, पैरों को खींचे पहले, फिर सामने से धड़ को उठाएं, धड़ को उठाएं ऊपर और ऊपर होल्ड करें, गर्दन पीछे की तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव, श्वास खाली करते वापस है, पैरों को छोड़ना नहीं है अभी, पैरों को ग्रिप बना के रखें, फोरहेड जमीन पे लगाएं, फिर से एक बार इनहेल करें, इनहेल करते हुए पैरों को खींचे पहले और सामने से धड़ को अप, गर्दन भी ऊपर खींचे ऊपर और जोर लगाएं, बहुत अच्छे, थ्री टू वन, आई वापस, लंबे गहरे श्वास, एक हथेली में दूसरी हथेली रखे माथा उसके ऊपर, लंबे गहरे श्वास, ध्यान अपना श्वासों में बनाए, लंबे और गहरे श्वास,
लंबे गहरे श्वास, श्वास को नॉर्मल करें। आए दोनों तेलिए कंधों को नीचे, श्वास भरते हुए फिरते हुए भुजंगासन टाइगर पोज। दोनों तेलिए कंधों के नीचे कैट स्ट्रेच पोज करेंगे। गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे और पीठ को ऊपर। श्वासों के साथ इनहेल हेड अप, श्वास खाली करते हुए गर्दन को नीचे लाए, दोनों हाथों को बीच में। श्वासों के साथ करें, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे। गर्दन सामने करें, अब राइट हैंड को सामने की तरफ लाएं, लेफ्ट पैर को रिस्टी मिडिल फिंगर पर सामने वाले हाथ की। वन टू थ्री फोर फाइव साइड चेंज, सेकंड साइड। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप, वन टू थ्री फोर फाइव, पंजे खड़े करें, पर्वतवासन। स्पाइन की पूरी लंबाई बनाएं, गर्दन आपके दोनों हाथों के बीच में, नाभि अंदर की तरफ। वन टू थ्री फोर फाइव, प्लैंक पे आ जाए, दंडासन साइड प्लैंक करेंगे, राइट हैंड सेंटर में लाए और राइट साइड से घूमेंगे, हाथ को फैला दे ऊपर, दृष्टि ऊपर वाले हाथ पर। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से एक बार दंडासन में, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, पर्वतवासन, फिर से एक बार दंडासन, साइड चेंज करेंगे, सेकंड साइड, लेफ्ट हैंड सेंटर में, दृष्टि ऊपर पहले हुए हाथ पर। वन टू थ्री फोर फाइव, दंडासन, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन, टाइगर पोज। एक बार फिर से कैट स्ट्रेच पोज, गर्दन ऊपर पीठ नीचे, श्वास खाली करते हैं, गर्दन को नीचे लाए, पीठ ऊपर, श्वासों के साथ। श्वास खाली करते हैं शशांकासन, घुटनों को खोलते, चाइल्ड रिलैक्स पोज। गर्दन सामने करें, चेहरा एक बार खींचे, स्पाइन की पूरी लंबाई के साथ, चेहरा सामने की तरफ। वन टू थ्री फोर फाइव, धीमे धीमे हाथों को पीछे चलाते हुए वज्रासन में आ जाए, पैरों को एड़ियां खोल दे, पीछे दोनों हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़ ले, कंधों को पीछे की तरफ खींचे, चेस्ट अप। अब इनहेल करते हुए दृष्टि ऊपर, स्पाइन को राउंड करें और गर्दन पीछे ड्रॉप करें, नाभि अंदर, दृष्टि ऊपर, आई रिलैक्स। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचे, दोनों हाथों की उंगलियां एंगेज करें और ताड़ासन की तरह खींचे, दृष्टि आपके दोनों हाथों के गोंठों पर, नाभि अंदर, टेल बोन को भी अंदर की तरफ सक करें, पूरी लंबाई। आई वापस सुप्त वज्रासन, घुटने सामने से मिला दे और एड़ियां पीछे से खोल दे। जिनको घुटनों में अगर प्रॉब्लम है तो वो सुप्तोरुकासन में बैठ के इनको दोनों तीनों आसनों को करेंगे। सुप्त वज्रासन के लिए दोनों घुटने मिला लें सामने से और एड़ियां खोलते हुए एड़ियों के बीच में बैठ जाए, और फिर से एक बार श्वास भरे, दोनों हाथों ऊपर की तरफ खींचे,
पूरा स्ट्रेच करें। अब यहां पर एक बार आंतरिक कुंभक लगाएंगे, श्वास भरें, श्वास खाली करें, नाभि को अंदर की तरफ खींचे, गर्दन कंटकों में लगाएं और रेक्टम मसल को ऊपर की तरफ खींचे, बाह्य कुंभक त्रिबंध दोनों देलियां एडी पर और एक एक एल्बो करके नीचे लगा, गर्दन पीछे ड्रॉप कर दे। अब यहीं से इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो जा सकते हैं पहले सर नीचे लगाएं और हथेलियां सर के नीचे ले जाएं, तकिया बना के दोनों हाथों का तकिया बनाते हुए, दोनों हाथों का तकिया सर के नीचे, नाभि अंदर की तरफ खींचे, स्पाइन की लंबाई बनानी है, यहां पर भी कोशिश करें फ्लैट करने को, जो नीचे लंबर रीजन में आपके आर्च बन रही है इसको थोड़ा सा लंबाई के साथ खींचे। आए दोनों तेलिए घुमाकर थाइस के ऊपर गए, एड़ियां पकड़ लें और क्राउन ऑफ दैट लगाएं, यहीं से क्राउन ऑफ दैट दोनों हाथों को ले जाएं नमस्कार मुद्रा में, वापिस एड़ियां पकड़े और एल्बो के स्टैंड पर आते हुए वापस आए और घुटनों के स्टैंड पर आए। दोनों घुटनों में गैप कंधों के बराबर, क्या हुआ थके क्या? तो बड़ी स्लो मूवमेंट हो रही है, ऐसे लग रहा है एनर्जी खत्म हो गई, नीरज जी एनर्जी खत्म हो रही है। हेलो क्या हाल है? बढ़िया, क्या हाल है? आवाज नहीं आ रही, नीरज जी और मेरी आ रही है खाली। वापस है
जाए, आप यहीं से फॉरवर्ड जाएंगे, दोनों तेली आसन पर आए, टाइगर पोज में आ जाए पहले। अब हिप्स आपकी एक जगह रहेंगे और घुटने बिल्कुल हिप्स की सीध में, हथेलिए चलानी आगे की तरफ, चेस्ट आपने जमीन की तरफ डालना। वन टू थ्री फोर फाइव, यहीं से स्विंग होते हुए भुजंगासन। शशांकासन, श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर और साइडों से नीचे लाए, पैरों को खोल दे सामने की तरफ। बिल्कुल आसन के अग्रिम छोर पर चले जाए, जिनका फेस मेरी साइड नहीं है वो भी फेस घुमा दे और लेट जाए आसन। दोनों हाथों को 180 पर फैलाएं, राइट पैर को अप करें, राइट हैंड से अंगूठा पकड़ लें, सुप्त पादानुपुष्टासन, पैर का अंगूठा अपनी तरफ खींचे, नीचे वाले पैर को भी पूरा टाइट करें, घुटना सीधा करने का प्रयास करें, पैर का पंजा अपनी तरफ खींच के रखें, बहुत अच्छे, मेंटेन करें इसको। थ्री टू वन, इसको राइट साइड पर ही ले जाए और गर्दन अपोजिट, शोल्डर आपके दोनों जमीन पर, गर्दन अपोजिट, बहुत अच्छे, मेंटेन करें। थ्री टू वन, आए चेंज करें, अपोजिट हाथ से पकड़ लें इसी को, इसी पैर को अपोजिट हाथ से पकड़ लें, आप अपोजिट साइड ले जाए, दृष्टि आपके पास हो, गर्दन अपोजिट, बहुत अच्छे। थ्री टू वन, वापिस सेंटर में लाकर, अब दोनों हाथों से पैर की एड़ी पकड़ ले, श्वास खाली करते हुए साइड से पकड़ेंगे, सेकंड साइड लेफ्ट पैर को अप करें, लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया मोटा, नीचे वाले पैर को साइड करें, अपोजिट साइड सेम साइड में डाल ले जाए पहले। अपोजिट हाथ से पकड़े ले जाए क्रॉस करते, दृष्टि पार्श्व, दोनों कंधे जमीन पर, नीचे वाले पैर का भी ध्यान रखना, खींचा हुआ होना चाहिए आपका, बहुत अच्छा। आई सेंटर में, दोनों हाथों से पैर की एड़ी पकड़ ले, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए अपनी तरफ खींचे पैर को, पैर को अपनी तरफ खींचे, गर्दन उठाते हुए नासिका घुटने की तरफ आए, वापस रिलैक्स, दोनों हाथों को फिर से एक बार साइड में, साइड फेस बोलते हैं 180 पर, दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर उठा लें, चतुर परिवर्तन, सिंगल सिंगल पैर से करेंगे, पहले राइट पैर को फैला के रखें, लेफ्ट घुटने को मोड़ लें, घुटने के साथ घुटना मिला हुआ चाहिए आपको। अब अपोजिट साइड पर ले जाए एक बार, गर्दन अपोजिट, फिर सेंटर में आए, पैर की पोजीशन चेंज करें, अपोजिट साइड जाए, दृष्टि हर बार अपोजिट ले जानी आपने, सेंटर में पैरों को 90 डिग्री पर रखें। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, लेकिन जिनको पीठ में प्रॉब्लम हो वो सेम इसी रूटीन को रिपीट करेंगे एक एक साइड से। आए पहले राइट साइड पर जाएं, फिर सेंटर में लाए, फिर साइड चेंज करें, अपोजिट साइड, गर्दन हर बार अपोजिट, आए वापस सेंटर में, दोनों हाथ पैरों को नीचे लाए, सामने की तरफ फैला दें,
शवकासन के लिए पैरों को फैला दे पहले, दोनों हाथों को थाइस के सामने, श्वास भरे और पैरों के नाक अंगूठे रह गए और पैरों को भी ऊपर उठा दे, बैलेंस करें दृष्टि पैर के अंगूठों पर, वापस आए दोनों पैरों को मोड़ ले कतरासन के लिए, दोनों पैरों को दोनों तेलिए सिर्फ पैरों के टखने पकड़ लें। अब श्वास भरे और कमर को ऊपर उठाए, खींचे कमर को ऊपर की तरफ, कमर को ऊपर उठाए, बहुत अच्छे मेंटेन करें। 3, 2, 1 पैरों को फिर से एक बार फैला दे, सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर उठाएं। अब दोनों हथेलियां आसन पे लगे और थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए ऊपर ले जाए पैर को, फिर हथेलियां कमर के पीछे सपोर्ट देते हुए, दृष्टि पैर के मुठों पर, बहुत अच्छे। जिनसे सर्वांगासन नहीं हो रहा वो पैरों को 90 डिग्री पर उठाकर रोक दे, बाकी सभी दृष्टि पैर के अंगूठों पर, बहुत अच्छे मेंटेन करें। 3, 2, 1 यहीं से पैरों को पीछे की तरफ ले जाए, सर के पीछे, जमीन पर नहीं लगाना, ऊपर की तरफ मेंटेन कर रहे हैं, जमीन पर नहीं लगाना, मेंटेन करें, बहुत अच्छे। फिर कमर को सपोर्ट बनाए, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाए, अब पैरों के पंजे अपनी तरफ खींचे, पैरों के पंजे अपनी तरफ मेंटेन करें। अब एक पैर को ऊपर रखना है, एक पैर को नीचे, सर के पीछे लाए एक पैर को, दूसरा पैर ऊपर, चेंज करें, बहुत अच्छे, चेंज करें, चेंज करें, आई सेंटर में दोनों पैरों को मिलाए एक बार, धीमे धीमे सपोर्ट देते हुए कमर को नीचे की तरफ लाए, आराम आराम से, बहुत अच्छे। इसी का काउंटर पॉज करेंगे, दोनों तेलिया हिप्स के नीचे लगाएं, एल्बो के स्टैंड पर आ जाएगा, श्वास भरते हुए रिप्स अप, गर्दन पीछे, क्राउन ऑफ द हेड लगा दें, क्राउन ऑफ द हेड, क्राउन ऑफ द हेड लगा के रखें, यही रखेंगे, हथेली हिप्स के नीचे से निकाल दें, पैरों को ऊपर उठा दें जमीन से 4 इंच ऊपर, दोनों हाथों को नमस्कार के नमस्कार मुद्रा में पंजों के सामने, पादोत्तानासन, बहुत अच्छे मेंटेन करें। 3, 2, 1 करें, रिलैक्स, ढीला छोड़ी, लंबे गहरे श्वास, यहीं से हम चक्रासन के लिए जाएंगे, लेकिन जिनसे चक्रासन नहीं होता वो कलरासन करेंगे, इससे पहले जो हमने किया था, आए सभी घुटनों को बैंड करेंगे, चक्रासन के लिए दोनों हथेलिए कंधों के पीछे, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाते जाए, दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर उठा लें और दोनों हाथों से घुटनों को बैंड करें, हल्के से घुटने बैंड करें और एड़ियां पकड़ लें, अब पैरों को अपनी तरफ खींचे, पैरों को खींचे, हाँ माथा घुटनों के नजदीक ले जाए, पैरों को सीधा करें, सर के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5
दोनों घुटनों को पेट के ऊपर दबा दे, दोनों घुटनों को दबा दे, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य में, अब थोड़ा सा डोलन करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल करेंगे, बहुत अच्छे करते जाए शरीर की छोटा वो इस डोलन के द्वारा स्पाइन से दूर होता है, शांत करें, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। एक बार जोर से हंसते बैठे अपने आसनों को बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन से सीधी, बहुत ही अच्छा रहा। हम धन्यवाद करते हैं मॉल मैनेजमेंट का और डी के सलोन का, जिनके साथ मिलके हमने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, बहुत ही अच्छा आपने प्रयास आपके। धन्यवाद करते हैं हमारे गुरु देवेंद्र जी का और हमारे अली शर्मा सर का जो यहाँ है, और गुरु जी जो हमारे आसनों के गुरु जी हैं देवेंद्र से देवेंद्र मौर्य जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही सुंदर आसन हम लोगों को कराए। अभी 5 मिनट के लिए हमारे गुरु जी हमें सभी को प्राणायाम का एक सेशन कराएंगे, उसके बाद 2-3 मंत्र और उसके बाद शांति पाठ। मैं निवेदन करूंगा अपने गुरुजी से श्री अनिल शर्मा जी से कि आए और 5 मिनट का एक प्राणायाम का सेशन श्वासों को सामान्य करने के लिए। भारत माता की कोश में तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बाहर, शरीर को सीधा और स्थिर करने के लिए रिब केज को हल्का सा ऊंचा उठा दें, पसलियों को ऊंचा उठा दें, पलके पलकों पर ढपी हो, होठ होठों पर, पीछे जितने भी बैठे हैं गुरु जी का ये सख्त आदेश है, 10 मिनट का ये कार्यक्रम रह गया है, कोई भी पहले उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद एक छोटी रिस्पेक्ट है वो लेके जाएंगे। सभी ध्यान से सुने, पीछे से जो भी है कोई पहले नहीं उठेगा। वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में ले, पीठ गर्दन सर सीधा रखे, अपने को सहज बनाने का प्रयास, रिब केस को हल्का ऊंचा उठा के रखे, लोअर बैक को प्रेस करिए, पलके पलकों पर डपी हो, दांतों की पंक्तियों में अंदर अंतर हो, जिह्वा को शांत करें और केवल शरीर से ध्यान हटाकर अपने नासिका क्षेत्रों पर ले आए, अपने आने जाने वाले श्वास और प्रश्वास का अवलोकन करें, तन शांत होगा तभी आप मानस पटल पर प्राणमय कोश के थ्रू मानस मानसिक कोश तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपनी इंद्रियों का बाह्य विषयों से वियोग, जिसको हम प्रत्याहार की स्थिति कहते हैं, क्या करना है, केवल अपने नासिका क्षेत्रों पर ध्यान, श्वास प्रश्वास का अवलोकन, आप अपनी तरफ से ना श्वास लें ना श्वास प्रश्वास छोड़ें, स्वतः आने जाने वाले श्वासों का अवलोकन करते रहिए, क्रिया में ध्यान देंगे तो आपका शरीर भी शांत होगा, आरोग्यवान बनेगा और आपका मन भी तनाव से दूर होगा। अब श्वासों को धीरे धीरे प्रयास पूर्वक बढ़ना शुरू करें, उदरीय श्वसन करेंगे, श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे नाभि को फूलने देंगे, बहुत अनावश्यक जोर नहीं डालना, और फिर खाली करते हुए धीरे धीरे नाभि को अंदर की ओर, ये जब एब्डोमिनल ब्रीथ होता है तो जितना गहरा श्वास आएगा उतने आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा, और जितना धीमे धीमे श्वास बाहर जाएगा आपका शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज होता चला जाएगा, और इसी को हम योग की भाषा में दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा श्वास कहते हैं।
अब धीरे धीरे नासिका से श्वास भरना शुरू करें, नाभि तक और श्वास भरें, अपने रिब केज को फूलने दें और श्वास भरें, अपने कंधों को भी ऊपर और पीछे की तरफ, फिर खाली करते हुए पहले कंधे धीरे धीरे डाउन करें, चेस्ट को धीरे धीरे ढीला छोड़ें और नाभि को भी धीरे धीरे पीछे ले जाएं। तो ये आपके सेक्शनल ब्रीदिंग होता है, उदरीय श्वसन, वक्षीय श्वसन और स्कंदीय श्वसन। इन तीनों को मिलाकर जो किए जाने वाला श्वास प्रश्वास की क्रिया है, इसको ही हम दीर्घ श्वसन की क्रिया कहते हैं। ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारा जो ब्रेन का सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के अंदर बेहतर तालमेल बनाने का काम करता है। जब हमारा ये स्वस्थ होगा तो हम तन के साथ साथ मानसिक रूप से भी सबल बन पाएंगे। यही योग का पर्पस है। और जब तक हमारी शारीरिक चेतना बनी रहेगी, हमारी एक्टिविटी बनी रहेगी, हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट बनी रहेगी, तब तक आप अपने अंतर मन में नहीं जा पाएंगे। अवलोकन करें अपने अंतर मन का, देखें, चेक करें कि श्वासों का नियंत्रण हुआ कि नहीं। अगर श्वास यदा कदा ही आ रहे हैं, श्वास प्रश्वास सहज हो गए हैं, सामान्य हो गए हैं, तो आपकी शारीरिक क्रियाएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी और आप अपनी विचार शक्ति को भी नियंत्रित कर पाएंगे। यही पर्पज है आपके प्राणायाम का। जो आसनों का सेशन योग गुरु देवेंद्र मौर्य जी के द्वारा दिया गया, उस सेशन के बाद आवश्यक होता है कि आप अपने इन क्रियाओं को शांत करें, अपने शारीरिक जो आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हुआ वो सहज हो, और उसके लिए बेहतर तरीका है आपके पास प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। यहीं से हम एंटर करते हैं अपने ध्यान में। जब आपकी विचारधारा एक फ्लो में बहने लगे, उसी को ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्यय तानता ध्यानम। अब केवल श्वास प्रश्वास पर ध्यान, कोई और विषय ना हो। हर विचार केवल श्वास प्रश्वास पर आधारित हो और नेक्स्ट आने वाला विचार भी उसी पर आधारित हो, बीच में कोई व्यवधान ना हो, तो उसी को ध्यान कह देते हैं। और ध्यान का पर्पस होता है कि आपके अंदर आपके आए हुए तनाव को, चाहे वो भले ही पॉजिटिव तनाव था जो आसनों के माध्यम से आया, उसको हमने नियंत्रित किया, हम सहज हुए, शांत हुए और रिलैक्स आएंगे। दोनों हाथ ध्यान को चलाते हैं, प्रयास पूर्वक धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरना शुरू करें और बहुत धीरे धीरे खाली करना शुरू करें, फिर और गहरा लंबा श्वास भरें, फिर धीरे धीरे खाली करना शुरू करें, फिर और गहरा लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे खाली करना शुरू करें। बहुत अच्छे, इसी तरह शांत बनाए रखेंगे अपने आप को। बहुत ही बढ़िया, शांत और चेतना में हमारी आंतरिक चेतना जागृत रहे, हमारा स्थूल शरीर शांत। बहुत ही अच्छे, शांत, एकदम शांत। आज किए हुए आसन, आज हमारे गुरु जी के द्वारा कराया हुआ प्राणायाम, उसका सभी का अपने शरीर पर आए हुए प्रभाव को महसूस करेंगे। धीमे धीमे शांत बने रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद, मन ही मन अपने ईष्ट को याद करेंगे। हमने अभी किया योग और अब हमारी गुरु माँ, हमारी रजनी मैम आपको योग गुरु पिताजी महाराज की प्रार्थना करा रहे हैं। सभी आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और पीछे पीछे जाप करेंगे। योगेन चित्तस्य योगेन
चित्तस्य पादेन वाचां पादेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेनां च वेदकेनां द्योपाकरोतम् द्योपाकरोतम् प्रवणं मुनीनां पातांजलिं पातांजलिं प्राञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतो अस्मि प्राणतो अस्मि आएंगे धीमे धीमे दोनों हाथों को मलेंगे दोनों हाथों को मलते रहेंगे घर्षण करेंगे अब तेज करेंगे इस घर्षण को और इस घर्षण से होते हुए उत्पन्न होते हुए तेज को महसूस करेंगे अपने दोनों हाथों में और इस परम तेज को धारण करेंगे अपने मुख में और पूरे शरीर पर चलिए आएंगे दोनों हाथों से काफी करेंगे मनसेन्द्रियवा
का श्वास करेंगे, ओम ध्वनि आजाद करेंगे। जाते हुए अपने जो भी आपका वेस्ट होगा वो सब डस्टबिन में डाल के जाएंगे। भारत।